जिंदगी में कभी कभी आपको ऐसा एहसास होगा कि कुछ कर्म जो आप करते हैं ना, वो आप नहीं करते, आपसे करवाए जाते हैं, लिटरली। आज मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कुछ काम से बैंक जा रहा था। यूजुअली मैं अपने होम ब्रांच में ही जाता हूं, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया, मैंने सोचा आज नए ब्रांच में जाते हैं। मैं वहां गया, अनफॉर्चुनेटली वो ब्रांच बंद था। मैं पलटा कि मेरे सामने एक बंदा खड़ा था, उसने कहा सर खाना खिलाएंगे। मैंने 5 सेकंड के लिए उसे अवॉइड किया और जा ही रहा था कि दूसरे ही पल मुझे ख्याल आया कि उसने पैसा नहीं मांगा, खाना मांगा। मैं पलटा, वो मुझे ही देख रहा था। मैंने कहा यहां कितने लोग हो? उसने कहा सर 3। पास में एक रेस्टोरेंट था, खाना पार्सल करवाया, उसे दिया और मैं निकल गया। मैं जल्दी जल्दी में था तो कुछ सोचा नहीं। जब फुर्सत से बैठा तो ख्याल आया कि मैं वहां तो कभी नहीं जाता, मैं सीधा अपने होम ब्रांच ही जा सकता था। उसकी प्रार्थना इतनी सॉलिड थी कि मुझे वहां जाना पड़ा, उसे खाना मिला। तो वो काम मैंने नहीं किया, महादेव ने मुझसे करवाया, मैं जरिया बना, निमित्त बना, है ना। हम हमेशा कुछ करके बहुत ज्यादा अच्छा फील करने लगते हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया, ये हम नहीं कर रहे। दिव्य शक्ति है कोई तो जो हमसे करवाती है जहां भी जरूरत हो। तो जब भी ऐसा मौका मिले महादेव को थैंक यू कहना कि हे महादेव शुक्रिया कि तूने मुझे जरिया बनाया। जय हिंद, जय महादेव।